हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सब प्रोग्राम्स। ये टॉपिक मेरे स्टूडेंट के थ्रू दिया गया है, जैसे कल उनकी एग्जाम है और एग्जाम के हिसाब से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने देखा था पार्स ट्री के बारे में। सब प्रोग्राम को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया इंटीजर सम, देन यहाँ पे दो पैरामीटर दे देते हैं एक्स और पैरामीटर वाई। ठीक ऐसा ही हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट वो इस बार इंटीजर नहीं रहेगा, वाइड रहेगा। वाइड सम इंटीजर एक्स इंटीजर वाई। अगर हम दोनों कोड को देखें, दोनों सेम ही दिखाई दे रहे हैं, बट जो लेफ्ट वाला कोड है ये है फंक्शन, जो राइट साइड वाला कोड है ये कहलाता है प्रोसीजर। दोनों में डिफरेंस होता है। जो फंक्शन होता है उस वो एक रिजल्ट मीन टाइप ऑफ रिजल्ट देता है। तो सम किस तरह का है फंक्शन, जो इंटीजर टाइप का, तो कुछ ना कुछ वैल्यू वे रिटर्न करेगा जो किस टाइप की रहेगी, इंटीजर टाइप की। बट जो प्रोसीजर वाला सम है ये नो रिजल्ट को शो कर रहा है, यानी ये किसी भी तरह के रिजल्ट को रिटर्न नहीं करेगा। और रही बात पैरामीटर की, जैसे पैरामीटर हमने दिए हैं तो पैरामीटर देना जरूरी नहीं है। यदि हम कोई फंक्शन या प्रोसीजर बनाते हैं तो अगर हमको रिक्वायरमेंट हो तभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पैरामीटर्स को क्रिएट करेंगे। और ये जो यहाँ पे सम लिखा हमने ये कहलाता है नेम ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे जो सम हमने लिखा है कहलाता है नेम ऑफ प्रोसीजर। एक सब प्रोग्राम को हम लोग मेन फंक्शन के पहले भी डिफाइन कर सकते हैं और मेन फंक्शन के बाद भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेन फंक्शन हमारे पास में है, यदि हम ऊपर देखें तो ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ और नीचे अनादर फंक्शन को, या फिर हमको लगे तो हम इस नीचे एक प्रोसीजर भी डिफाइन कर सकते हैं। वाइट ले ली मैंने एक, ये जो भी मैं अभी इस लेक्चर वीडियो में देख रहे हैं एवरीथिंग इज इन रिस्पेक्ट टू सी प्लस प्लस। तो सब प्रोग्राम जो होता है उससे हम डिफाइन कर सकते हैं मेन फंक्शन के पहले भी और मेन फंक्शन के बाद में भी। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें मेन फंक्शन को, तो मेन फंक्शन है कि प्रोसीजर है ये कैसे मालूम पड़ेगा, कई बार हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, जैसे अभी इसमें इंटीजर यूज़ किया हुआ है तो कई बार प्रोग्रामर्स वाइड मेन करके भी यूज़ करते हैं। तो मेन फंक्शन है या प्रोसीजर है ये मालूम पड़ता है इसके रिटर्न वैल्यू से। जैसे अगर रिजल्ट कैसे यहाँ पर इंटीजर टाइप का है मीन्स मेन एक फंक्शन है, यहाँ पर वाइड है मीन्स मेन क्या है एक प्रोसीजर है। एक फंक्शन जो होता है उसके ऊपर ऑपरेशंस किए जा सकते हैं बट प्रोसीजर के ऊपर नहीं कर सकते। किस तरीके से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर आई इक्वल्स टू जे प्लस के, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ दो वेरिएबल्स के बीच में। अब यदि मैं कोई फंक्शन यहाँ बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया इंटीजर सम के नाम का, हमने दो पैरामीटर दे दिए, एक एक्स दे दिया दूसरा वाई दे दिया। अब सम इंटीजर टाइप का है मीन्स कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर हमने x प्लस वाई को रिटर्न करवा दिया। अब एक प्रोसीजर भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वाइड नाम की, इसको मैं नेम दे दिया एड। यहाँ पर दो पैरामीटर है इंटीजर x और इंटीजर y नाम के, बट ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। अब एक सम नाम, अब एक हम मेन फंक्शन ले लेते हैं, वाइड मेन लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब वाइड मेन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो सम नाम के फंक्शन को एज ए स्टेटमेंट कॉल कर सकता हूँ, सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरह। एड नाम की प्रोसीजर को भी हम एज ए स्टेटमेंट कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो सम नाम का फंक्शन है इसके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इंटीजर एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या पुट कर दिया, सम टू एंड फोर। बट इस तरह का वर्क प्रोसीजर के साथ में नहीं कर सकते। जब अगर मैं इंटीजर वाई इक्वल्स टू यहाँ पे कर दूँ एट टू फोर, तो ये गलत है। प्रोसीजर पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जो प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं रही है, कोई वैल्यू या कोई रिजल्ट नहीं दे रही है, तो वाई को हम वाई में स्टोर कर ही नहीं सकते, पर फंक्शन के अंदर हम कर सकते हैं। या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इंटीजर जेड इक्वल्स टू सम टू फोर प्लस सम वन टू,
बट दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर नॉट सपोर्टेबल बाय प्रोसीजर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सब प्रोग्राम्स की ज़रूरत क्या पड़ती है। यदि हम किसी भी प्रोग्रामिंग को देखें तो बिना सब प्रोग्राम के आई थिंक प्रोग्रामिंग बनाना पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए हमको सी प्रोग्राम भी क्रिएट, सी लैंग्वेज भी यूज़ करना है तो मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। अब यदि तो फिर सब प्रोग्राम की ज़रूरत क्या है? सब प्रोग्राम क्या करता है कि रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है। मैं जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको और अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड या अंडरस्टैंडेबल वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देन हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं सब प्रोग्राम्स की मदद से। सबसे बड़ी चीज़ हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। अगर हमने एक बार फंक्शन या सब प्रोग्राम के अंदर किसी कोड को पुट कर दिया है तो उस कोड को बार बार रीयूज़ किया जा सकता है, सिर्फ एक कल स्टेटमेंट की तरह कि फंक्शन को बार बार कॉल कर दो। अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग के अंदर देखें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको मिलते हैं, जैसे मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, लाइक दिस। तो इस तरह सब प्रोग्राम हमको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरामीटर पासिंग इन सब प्रोग्राम। यदि एग्जाम में आपको सब प्रोग्राम के बारे में आता है, डेट मीन्स हमें करना क्या है, फंक्शन और प्रोसीजर इनके बारे में बताना है, ये कहलाते हैं सब प्रोग्राम। यदि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उस क्वेश्चन को, उस डॉट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।